अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक मज़ेदार से रेसिपी लेके। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आलू का पराठा और आलू की सब्जी की रेसिपी। और जो हमारा आलू का पराठा है वो कुछ अलग स्टाइल में है, तो आपको एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो मैं पहले बना लूँगी सब्जी। मैं उसकी चटनी एक मीडियम साइज का कांदा मैं चॉप कर ली हूँ। कांदा चॉप करने के बाद मैं बॉयल कर ली थी आलू, और मैं आलू को बारीक बारीक सा काट ली हूँ। और मैं ले ली हूँ कड़ी पत्ता, और मैं ले ली हूँ कढ़ाई। कढ़ाई होने दी मैं गरम। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब तेल। तेल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब जीरा, 1 टीस्पून राई और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते हम ये सबको थोड़ा देर रख लेंगे एक मिनट तक के। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कांदा, जो हम कांदा बारीक चॉप कर लिए थे। जब कांदा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चटनी। चटनी में हम डाल लेंगे 1 टीस्पून के करीब, मैं डाल दी थी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ऐड करने के बाद जो हम आलू डाल के रखे थे बॉयल आलू, हम वो भी इसमें काट के जो हम रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। वो भी ऐड करने के बाद मैं इसको चला लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोथमीर, और हम धीमी आँच पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि ये पक जाए। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। और अब हम बना लेंगे पराठा। तो पराठा बनाने के लिए मैं 4-5 आलू बॉईल कर ली थी काट काट के। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून के करीब हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिसके मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून के करीब हरी चटनी। तो ये सबको मैं मिक्स कर इसमें डाल दूँगी मैं आटा, गेहूँ का आटा। और ये सबसे अच्छे से हम मिक्स करके जिस तरीके से हम आटा सानते हैं उस तरीके से इसको एकदम सान लेंगे। तो मैं आटा गूंद ली हूँ। अब मैं जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसके लिए छोटी छोटी लोही लेते हैं, वो लोही ले लेंगे हम। लोही लेने के बाद जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही हम पूरा प्रोसेस करेंगे, रोटी भी बना लेंगे हम। और मैं एक तवा गरम कर ली थी, और मैं उस पर डाल दी पराठा रोटी जिस तरह हम वो करे थे। अब इसको हम एक साइड से पकने देंगे। जब एक साइड से हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम एक साइड लगा लेंगे ऊपर की साइड तेल, अच्छे से तेल घी आपको जिस में चाहिए आप उस तरीके से वो लगा सकते हो। फिर इसको हम पलट लेंगे और नीचे से हम अच्छे से इसको पकने देंगे ताकि कच्चा ना रहे अंदर से आटा। फिर मैं ऊपर भी लगा लूँगी तेल, और फिर तेल लगाने से मैं तेल लगा के मैं फिर इसको पलट लूँगी, और नीचे से भी हम इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि एकदम अच्छे से गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। इस तरीके से हम सारा पराठा बना लेंगे अपना। और मेरा आलू की सब्जी और मेरे आलू का पराठा तैयार है। आई होप आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट।